आपकी लाइफ में अगर गर्लफ्रेंड ना हो, आपकी लाइफ में अगर वाइफ ना हो, अगर आप सोचते हो कि यार हमको ये सब बनाना है, तो सबसे पहले हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अभी मैं जस्ट उठा हूँ और अभी कितने बजे मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस देखो 11:17 हो गए। तो मैं अभी जस्ट उठा हूँ और उठते ही मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद आई कि आज छुट्टी है ऑफिस को और मेरे को आज बहुत काम है। तो मैं आज पूरा काम आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले झाड़ू मारना, कपड़े धोना, जूते धोना, खाना बनाना, खाने को खाना मतलब खाना बनाने के बाद खाना, फिर खाना खाने के बाद सो जाना, फिर उसके बाद उठना, फिर वीडियो बनाना, फिर सो जाना, बस यही काम है गाइस। तो आज मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि एक नल्ले इंसान की कहानी वही दिखा सकता हूँ यार। और क्या ही दिखाओ यार आप लोगों को, क्या ही दिखाओ यार, बस वही दिखा सकता हूँ यार। एक नल्ला, एक बेरोजगार नहीं मतलब एक नल्ले की कहानी दिखाऊंगा मैं आपको। वो अपनी जिंदगी को कैसा जीता है, काटता है, सब कुछ दिखाऊंगा मैं आपको। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहना यार, उससे प्लीज़ सब्सक्राइब करना यार। और ये वीडियो प्लीज़ मजाक के लिए, कॉमेडी के लिए, तो प्लीज़ आप दिल पे मत लेना और प्लीज़ ये फॉलो मत करना गाइस। ये जस्ट एक कॉमेडी है हंसने के लिए, तो प्लीज़ दिस इज माय डिस्क्रिप्शन, ओके, डिस्क्लेमर नॉट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्लेमर गाइस। तो चलो यार काम पे लगते हैं। सबसे पहले हम उठाएंगे झाड़ू। झाड़ू ऐसा उठाएंगे कि यार वो मतलब जो गंदगी वो भी बोले वाह क्या उठाया झाड़ू उसने। तो चलो यार शुरू होते हैं, अपने काम पे लगते हैं। तो सबसे पहले अगर आप सिंगल हो, आपकी लाइफ में अगर गर्लफ्रेंड ना हो, आपकी लाइफ में अगर वाइफ ना हो, अगर आप सोचते हो कि यार हमको ये सब बनाना है, तो सबसे पहले आपको झाड़ू सीखना पड़ेगा, झाड़ू मारना सीखना पड़ेगा, ताकि आपको गर्लफ्रेंड या वाइफ बने, ठीक है। चलो तो मेरे प्यारे गाइस ये है झाड़ू, जो हर पतियों का, हर बॉयफ्रेंड का शान है, क्योंकि इसी से ही उनकी ज़िंदगी चलती है गाइस। तो ये है झाड़ू, ठीक है। तो हम सबसे पहले मारेंगे झाड़ू। तो यार इसको ना जितना प्यार से रखोगे ना उतना अच्छा है, ठीक है। जितना प्यार से आप इसको रख पाओगे उतना अच्छा है। तो प्लीज़ कृपया करके इसको इज्जत दीजिए गाइस। तो गाइस हम सबसे पहले यार कोने कोने तक जाएंगे, क्योंकि कोने कोने तक है कचरा। तो गाइस हम ऐसी धीरे 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 काम करेंगे, समझ रहे हो, ताकि यार कचरा जिंदगी भर से चले जाए यार, मतलब लाइफ से ही चले जाए। तो ऐसा धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो गाइस आप ध्यान से देखना गाइस झाड़ू कैसे मारते हैं, बस ऐसे धीरे धीरे चलाते जाओ गाइस, और ये अंदर से लेके आओ बस। हाँ ऐसे ही चलो, समझ रहे हो गाइस, ऐसे ही आपको सीखना पड़ेगा झाड़ू, ताकि आपकी जल्दी जल्दी गर्लफ्रेंड बने और वाइफ भी जल्दी बन जाए, ताकि आप उसको बोल पाओगे कि मेरे को झाड़ू पोछा वगैरह सब मारना आता है ना, तो आप बोल पाओ। तो ऐसी ही मारेंगे हम, चलो। यस कम ऑन यू कैन डू इट। तो गाइस हम अभी इसको ठीक करने की व्यवस्था करेंगे, ताकि यार जब भी आपकी गर्लफ्रेंड या वाइफ दिखे तो ये ना बोले कि क्या है, क्या ही ये, ऐसे कोई करता है अपने घर पे। तो ये सुनने से पहले आपको इसे ठीक करना पड़ेगा। तो कैसे ठीक करते हैं मैं आपको यूँ बताता हूँ। देखो चुटकी बजाने का ऐसा ठीक हो जाएगा, अगर जैसे आप चुटकी बजाओगे जैसे वो ठीक हो जाएगा। तो देखो 1 2 3 स्टार्ट। तो गाइस देखो चुटकी बजाते ही फाइनली ठीक हो चुका है। अगर ये आप सीख जाते हो चुटकी बजा के ठीक करना, तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको पता चल जाएगा गाइस। तो गाइस आप जितना प्यार से करोगे काम, झाड़ू हो या बर्तन धोना हो या कपड़े धोना हो या जो आप जहाँ पे आप सोते हो, बेड में सोते होंगे ना, नीचे तो नहीं सोते होंगे, बेड में सोते होंगे, तो अगर आप ठीक कर सकते हो तो आपकी शादी यू हो जाएगी और आपको कोई ताने भी नहीं सुनना पड़ेगा कि यार मेरा पति नल्ला है करके, समझ रहे हो। ये आपको सीखना पड़ेगा गाइस, अगर जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आपको कैसा आएगा। तो ट्राई, यू कैन ट्राई। तो गाइस अभी हम धोने वाले हैं बर्तन, ठीक है। तो कैसे धोते हैं मैं आपको दिखाता हूँ डेमो करके, तो प्लीज़ आप भी ध्यान से धोना। कृपया करके अगर जो भी कप वगैरह हो उसको तोड़ना मत, नहीं तो आपकी जो भी वाइफ हो या गर्लफ्रेंड हो ऐसी धोएगी आपको, पता भी नहीं चलेगा कहाँ पे धोई और कहाँ पे धुक रहा मेरा। तो प्लीज़ ध्यान से धोना,
ठीक है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यू जस्ट इमेजिन, सॉरी मतलब देखो यार, तो ही गाइस फाइनली यार हमारा बर्तन धोना हो गया। फाइनली देख चुके होंगे कैसे धोते हैं, वैसे ही धोना है, प्यार से धोना, कोई गड़बड़ी वगैरह नहीं करना, ठीक है। तो प्यार से धोना, तो फाइनली यार मेरा कपड़े बोल रहा है यार, बर्तन धोना हो गया, ठीक है। तो वैसे ही प्यार से धोना गाइस, इज्जत से धोना, बर्तनों को इज्जत दोगे तो ही वाइफ से इज्जत मिलेगी आपको। तो कृपया करके यार इज्जत ही लेना, ये मत सोचना कि यार हमको क्या बोलेगी, हमको बेस्ट बोले वैसे ही काम करना, ठीक है। तो फाइनली यार बर्तन धोना भी हो गया, चलो। तो हे गाइस यार फाइनली यार कपड़े धोना हो चुका है और मेरा नहाना भी हो चुका है। तो यार कपड़े मैं ले गया छत के ऊपर आया सुखाने के लिए, तो यार फटाफट में सुखाने के लिए डाल देता हूँ यार, नहीं तो फिर सूखेगा नहीं, तो फिर मैं कल क्या पहन के जाऊँ, सलवार और साड़ी ये पहन के जाऊँगा मैं, शेरवानी चाहिए यार मेरे को। तो यार मैं सुखाने डालता हूँ यार। तो गाइस फाइनली यार सूखने के लिए डाल दिया ये दो पैंट और दो शर्ट, ठीक है। फाइनली यार अभी सूख जाएगा, और यहाँ पे मेरा शूज़ भी डाल दिया मैंने सुखाने के लिए। भाई स्विमिंग पूल क्यों बन रहा है ये, देखो इसके अंदर से पानी निकल रहा है गाइस, स्विमिंग पूल क्यों बन रहा तू, ऐसा सुखाने डालू क्या अबे। तो हे गाइस फाइनली यार कपड़े सुखाने डाल दिया यार, तो और मेरे तो पूरे काम हो चुके, जैसे कि झाड़ू मारना हो गया, बर्तन धोना हो गया, खाना बना के खा के भी हो गया, नहाना हो गया, कपड़े धोना हो गया, उसको सुखाने भी डाल दिया। अभी तो यार चेन की नहीं सोऊंगा गाइस, समझ रहे हो, कम से कम यार 7-8 बजे तो उठ ही जाऊंगा यार, समझ रहे हो, मत उठ जाऊंगा यार 7-8 बजे तो उठ जाऊंगा यार, ठीक है। अभी तो यार चेन की नहीं सोऊंगा, क्योंकि यार पूरे काम हो चुके हैं, झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है, बस अभी जा के सोना ही है बस, और कुछ नहीं। हे गाइस यहाँ पे देख सकते हो यार छत के ऊपर आया था, बट यहाँ पे देखो ये जो छत है ना यहाँ पे कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हो सन गाइस, यहाँ पे ना सन डूबता है, अब भी जस्ट मेरे सामने ही डूब गया, मैं दिखाने से पहले डूब गया यार, थोड़ा वेट कर लिया होता था तो मैं दिखा देता था यार लोगों को कि सन इधर ही डूबता है। तो यहाँ पे देख सकते हो भाई, यहाँ पे देखो भाई कितने ऊपर ऊपर टंकी है, ये देखो इतने ऊपर ऊपर, ये देखो इधर भाई साहब टंकी देखो गाइस, इतने ऊपर ऊपर टंकी लगा के रख दिए गाइस, वो भी एक नहीं कम से कम 4-5, इधर 4 है, ये वाला 4 है, इधर 4 है, ये तो 6 नहीं 4 8 है गाइस, 1 2 3 4 5 6 7 8 गाइस 8। तो है गाइस यार अभी जस्ट सो के उठा, और उठते ही मेरे को लगा यार बादल हो चुका है, बारिश आ रही है कि नहीं यार, इसलिए मैं फटाफट यार ऊपर आ, फिर पता चला यार बारिश ही नहीं हुआ। तो यार अभी जस्ट कपड़े देखने आया था यार सूखे कि नहीं, बट पैंट मतलब जीन्स है वो सूखा नहीं, थोड़ा हल्का हल्का गीला है, और शर्ट वगैरह तो सूख गए, और मेरा जो शूज़ है वो भी सूखा नहीं। तो यार ऐसे ही घूम रहे हैं अभी छत के ऊपर, क्या ही करे यार, तो अभी मस्त भी घूम रहे, देखो यार वहाँ पे टंग रहा है ना मेरा शर्ट, दिख रहा है ना सूख रहे यार वो भी। तो गाइस यार आज एक बहुत दुखद घटना ये हुआ कि यार मेरा जो चश्मा था मैं ना थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा लग रहा था, मेरे को लग रहा था कि थोड़ा टेढ़ा है, उसको सीधा करने की वजह से यार वो उसका मौत हो चुका है, डेथ RIP हो चुका है मेरा चश्मा। तो यार बहुत दुख हो रहा कि यार वो मेरे साथ 6-5 महीने तो थी, 6-7 महीने तो थी यार वो मेरे साथ, तो बट यार वो इतना उसके साथ इतने सारे हादसे हुए तो भी यार वो उसका कुछ नहीं हुआ, बट यार वो आज ही अपना आज ही उसका देहांत हो चुका है गाइस। तो यार इसलिए मैं देख सकते हो यार मेरा ये जो आँखें हैं ना ये नंगी है, बेचारा कपड़े ढकने के लिए यार वो टूट गया ना, बेचारा टूट गया तो यार क्या ही कर सकते हैं। तो यार देखो यार ऐसे ही नंगे है मेरा आँखें अभी, तो फिलहाल देखते हैं सोचते हैं कुछ यार इसके भी कपड़े वगैरह लगाए, बट पता नहीं यार मैं इसको सीधा करने गया, उसको उस रॉड को सीधा करने गया, बेचारे का RIP हो गया, RIP हो गया बेचारे का, दुखद घटना हुआ यार मेरे साथ उसके साथ, सॉरी मेरे साथ क्या
उसके साथ हुआ है।